बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। नैब तरामीम केस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सिफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। और इख्तलाफी नोट में मजीद ये भी लिखा है कि कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे। जी हसीब, बताइए इस मुतालिक। देखिए, ये नैब तरामीम से मुतालिक केस था जो कि सबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को कलदम करार दिया गया था और 2-1 से ये फैसला आया था, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया था, इख्तिलाफ़ किया गया था और उनकी जानिब से इख्तिलाफी नोट जो है वो जारी किया गया है जो कि 27 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। इख्तिलाफी नोट में बेसिक जो उनके नुकात थे उनकी जानिब से ये इख्तिलाफ़ किया गया कि इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहिमी जो ताल्लुक है वो बरकरार रहे। इसी तरह उनकी जानिब से ये भी इख्तलाफी नोट में तहरीर किया गया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में वो नाकाम रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये 27 सफ़ात के ऊपर जो है तहरीरी फैसला जारी किया गया है, इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया गया है। 15 सितम्बर को ये नैब तरामीम से मुतालिक जो केस था उसका महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो है अनाउंस किया गया था और जस्टिस उमर अता बंदियाल का वो जो है आखिरी दिन था, रिटायरमेंट से पहले एक आखिरी दिन था जिस दिन ये फैसला अनाउंस किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफी नोट में तहरीर किया गया है कि अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आइनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हकूक से मुतालिक ऐसा मौकिफ तस्लीम किया गया तो पार्लियामान के लिए किसी भी मौजू पर कानून साजी करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। हसीब मलिक इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।